फ्रेंड, आज एक LG LED का स्टैंड बाय प्रॉब्लम लेके आया हूँ, जिसका प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई ओके, इसका जो रेगुलेटर IC है यहाँ पर वो भी ओके है 3.3 का, यहाँ पर 5.2 से 1.2 एंड इसका जो 3.3 ये भी आउटपुट ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। चलिए पहले आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए, इसका 19 वोल्ट का सप्लाई है जो सही आ रहा है। इसका 19 वोल्ट का सप्लाई से यहाँ पर 3.3 का है, वो भी सही है। यहाँ पर देखिए 3.3 होना चाहिए, यहाँ 3.3 है। इसका आउटपुट में ये देखिए 1.2 का, वो भी सही है। यहाँ पर एक वोल्टेज है, थ्री पॉइंट थ्री का, ये भी सही है। यहाँ 5 वोल्ट, इसलिए वहाँ पर 3.3 आउट हो रहा है। ये देखिए 5 वोल्ट का, ये भी सही है। इसका जो प्रॉब्लम है, यहाँ का जो यहाँ टाइप चाहिए, यहाँ का ये रेगुलेटर 1.8 आना चाहिए, यहाँ पर 1.8 नहीं आ रहा है। 1.5 तक भी सही है, 1.2 का एक्चुअली यहाँ पर ठीक है। इसका जो 3.3 का सप्लाई भी सही है, इसका मतलब कि ये पर ये जो रेगुलेटर IC है, 1. रेगुलेटर IC 1.8 का, ये IC का 1.8 सही तरीके से आउट नहीं है, कभी 1.5 आ रहा है, कभी एक मिनट, अभी 1.8 आ रहा है क्योंकि ये फ्लक्चुएट हो रहा है। ये फ्लक्चुएट होने की वजह से या अगर जो स्टैंड बाय है वो सही तरीके से रिलीज़ नहीं हो रहा है, कभी कभी थोड़ा हीटिंग की हीट हो रहे होने के बाद भी ये ऑन हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ का जो ये 1.8 का रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर का हमने चेंज करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे क्या होता है। और एक बात, अगर ये आपको चेंज करने में कोई दिक्कत है, इसके लिए जो बक कन्वर्टर है वो भी लगा सकते हो, और यहाँ का इस IC को चेंज करके भी इसको सही किया जाता है। चलिए इसको पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो में लौट आते हैं।
दोस्तों अभी इसको चेंज कर दिया। अभी इसको वोल्टेज को भी चेक करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले। ये बैकलाइट का वोल्टेज भी सही हो गया। ये 18 वोल्ट का वोल्टेज है, 18.9 वोल्ट का सप्लाई, वही सही था। अभी ये वोल्टेज तो सही था पहले से, यहाँ पर जो प्रॉब्लम था ये इसका पहले वोल्टेज, ये देखिए अभी इसका 1.8 कांस्टेंट आ रहा है, इसका 8.8 जो चेंज हो जाता है 1.5, 1.8, 1.3 तक आ जाता था, वो अभी 1.8 में कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है। इसका मतलब इसका वोल्टेज सही हो गया। अभी इसको ऑन करके दिखा देते हैं। ये देखिए 1.8 आने के बाद इसका नो सिग्नल भी आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि इसका जो 1.8 का सप्लाई था वो फ्लक्चुएट कर रहा था, इसलिए इसका स्टैंड बाय कंडीशन में चला गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।